ये देख रहे हैं सी का कार्ड, डी ई एफ जी ए बी और सी, इनका नेचुरल नोट से कैसे बजाते हैं। नमस्कार, आज का हमारा लेसन है मेजर कॉर्ड्स। तो गिटार में, हारमोनियम में, पियानो में कॉर्ड्स कैसे बजाते हैं, तो सबसे पहले हम यह जानें मेजर कॉर्ड्स क्या होते हैं। अगले लेसन में आपको माइनर कॉर्ड मिलेगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये सा है, तो सा का तीसरा स्वर ग होता है, सा दूसरा रे तीसरा स्वर ग और पांचवा स्वर प होता है। तो पहला कॉर्ड होता है सा ग प। अब ये याद रखेंगे कि सा ग प, इसके बाद पहला कॉर्ड ये हो गया, पहला कॉर्ड सा ग प, दूसरा कॉर्ड रे म ध। मतलब एक चीज आपने देखा, इन दोनों कॉर्ड्स में है क्या, सा के बाद एक छोड़ के ग है और फिर एक सुर छोड़ म छोड़ के प है, सा ग प। ठीक इसी तरह से रे के बाद ग छोड़ के म है और प छोड़ के ध है, तो रे म ध। सेम ग का कॉर्ड बजेगा ग प नी, ग प नी, तो ग के बाद म छूट गया प आ गया और प के बाद ध छूट गया नी आ गया, ग प नी। अब म का कॉर्ड म ध सा, म के बाद प छूट गया ध और नी छूट गया सा, म ध सा। उसके बाद प के बाद ध छूट गया नी, सा छूट गया रे, तो प नी रे, पानी रे हो गया, पानी रे। सेम ध के बाद क्या आएगा, सा और सा के बाद रे और रे के बाद ग, तो सा ध सा ग। अब फिर से नी का कॉर्ड, नी के बाद सा छूट जाएगा रे, रे के बाद ग छूट जाएगा म, और फिर वही कॉर्ड जो यहां पर सा से बज रहा था वो सा ग प। ये रहे सात हमारे मेजर कॉर्ड्स, बिल्कुल आसानी से। अब मेजर और माइनर में अंतर क्या है, पहले बस आज इतना समझाते हैं कि जब किसी गाने में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं तो मेजर कॉर्ड्स, जैसे सा रे ग तो ग शुद्ध है, म प तो ये, सारे जब स्वर शुद्ध लगते हैं तो मेजर कॉर्ड्स होते हैं। तो आपने देखा सा रे ग म प ध नी और अंत में सा ग प। इस तरह से आपने सात मेजर कॉर्ड्स आज देखे। अगले वीडियो में सात माइनर कॉर्ड्स हम बताएंगे। थैंक यू। और आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।